जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। मुझे लगता है भारत सरकार, बिहार सरकार इस विषय पर गंभीर है। ये संज्ञान में मुझे भी कल जब मैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज में कल एम्स पटना दरभंगा एम्स और वहाँ के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दरभंगा का, मुजफ्फरपुर का, इन सब चीज़ों का जब मैं सर्वेक्षण निरीक्षण कर रहा था, समीक्षा कर रहा था, तो उस दौरान हमारे बीच कुछ ऐसे रेजिडेंट छात्र आए थे। उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा था, बिहार सरकार के स्पेशल सेक्रेटरी भी हमारे साथ थे और हमने कहा है कि उन्होंने कहा कि ये मामला सर उचित है, हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं और वो जल्द ही हो जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? मुझे लगता है कि मैं अपील करना चाहूँगा अपने सभी ऐसे चिकित्सक जो छात्र हैं कि आप जानते हैं कोविड क्या ये महामारी है और अभी अभी पुनः नई सरकार की गठन हुई है, आपको इसमें आप जानते हैं कि कुछ वित्तीय हर प्रकार के व्यवस्था करनी पड़ती है और वो संलेख आदि तैयार होकर फिर कैबिनेट में जाएगा। एक साल से मुझे लग रहा है कि एक साल जिस प्रकार से कोविड महामारी की स्थिति जूझ रही है आप सभी जानते हैं, उसमें बिहार सरकार कटिबद्ध है और मुझे जो कल वहाँ के स्पेशल सेक्रेटरी ने जानकारी दिया है कि बिहार सरकार पूरी तरह से इसको जायज़ समझते हुए और जल्द ही ये करने की कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई के लिए उनको मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के हमारे मंत्री के द्वारा वो आदेश निर्गत हुआ है, आदेशित है और वो जल्द होगा। इसलिए मैं कोविड के इस महामारी में, वैश्विक महामारी में, मैं अपने तमाम चिकित्सकों का सम्मान करते हुए और मैं अपने ऐसे रेजिडेंट सर्जन जो जूनियर रेजिडेंट हैं, जूनियर रेजिडेंट का जो स्ट्राइक है ना, मैं उन सभी अपने प्रिय लोगों से आग्रह करूंगा कि देश हित में, राष्ट्र हित में और राज्य हित में, मानव हित में, सबसे बड़ी मानव हित में आप के जो मुद्दे हैं वो निश्चित रूप से आपने उन मुद्दों को उठाया है, लेकिन इसको लंबे दिन तक हड़ताल करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मैं आग्रह करूंगा कि आप हड़ताल को वापस लें, सरकार जरूर, और मैं मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री जी से, कि जल्द से जल्द इसका निदान किया जाए क्योंकि ये न्यायोचित है और पूरे बिहार के ऐसे चिकित्सक छात्रों का मामला है, लेकिन हड़ताल को वापस करना उचित होगा।